Everybody, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ, आप सभी लोगों को पता होगा मैं डेली आप लोग के लिए कुछ ना कुछ अपडेट दे रहा हूं। आप लोग के जो फिजिकल यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं 14 दिसंबर से, लेकिन जो फिजिकल अभी चल रहे हैं वो आप लोग के ASI हेड कॉन्स्टेबल और इंस्पेक्टर वालों को चल रहे हैं, जो कि 20 जनवरी तक चलने वाले हैं। और डेली मैं आप लोग के लिए कुछ ना कुछ अपडेट लेके आ रहा हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें फिजिकल क्लियर करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, ये मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो इनके फिजिकल चल रहे हैं, बट आप लोगों को पता होना चाहिए यदि आप लोगों ने अप्लाई किया सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, सफाई कर्मचारी, कुक, वाशर, वाटर कैरियर, वाशरमैन और टेबल बॉय के लिए, तो इनके भी फिजिकल की डेट आ चुकी है, जिसकी जानकारी मैंने आप लोग अपने प्रीवियस वीडियो में दिए हैं। एडमिट कार्ड आप लोग के भेजे जा रहे हैं। तो 18 जनवरी से आप लोग के फिजिकल बिल्कुल स्टार्ट है। बिल्कुल किसी भी प्रकार के भ्रम में, आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिएगा। 18 जनवरी से फिजिकल बिल्कुल स्टार्ट हैं। एडमिट कार्ड सेंड कर किए जा रहे हैं और एडमिट कार्ड स्टूडेंट्स के पास पहुंच रहे हैं। आप सभी ने यदि मेरी प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो मैंने बिल्कुल क्लियर किया है आप लोग के बहुत से ऐसे सेंटर बनाए गए हैं। जी हाँ, जो सेंटर उनके दिए गए थे उसके अलावा भी बहुत से ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे कि आप लोग को फिजिकल देने के लिए जाना है। और बिल्कुल क्लियर कर दूं मैं आप लोगों को, सभी सेंटरों के एडमिट कार्ड सेंड किए जा रहे हैं। ऐसा कोई सेंटर नहीं बचा जहां के लिए एडमिट कार्ड नहीं सेंड किया गया, ऐसा कोई स्टेट नहीं बचा, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा जहां के लिए कि आप लोग के एडमिट कार्ड सेंड नहीं किए गए हो। सभी जगहों के, सभी स्टेटों के, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, एवरीथिंग, सभी जगह के लिए आप लोग के एडमिट कार्ड सेंड किए गए हैं। लेकिन मैं आप लोग को पहले ही मैंने आप लोग को बताया था कि 25 दिसंबर से आप लोग के एडमिट कार्ड रिलीज किए जाएंगे। रिलीज आप लोग के हुए, मैंने आप लोग को बिल्कुल तुरंत इसका अपडेट दिया और मैंने आप लोग को वीडियो में बताया भी था कि सबसे पहले आप लोग के सफाई कर्मचारी के ही सेंड किए जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो है सफाई कर्मचारी के ही हैं, तो फिजिकल उनके जो है पहले सफाई कर्मचारी वालों के स्टार्ट होने वाले। लेकिन ऐसा नहीं है कि और पोस्टों के लिए एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, सभी पोस्टों के एडमिट कार्ड आने हैं, लेकिन समय लग रहा है। डेली कुछ ना कुछ एडमिट कार्ड सेंड किए जा रहे हैं और आप लोग के जगह पे पहुंच रहे हैं जहां आप लोग जिस स्टेट में रहते हैं। थोड़ा सा समय वहां पे लग रहा है कुछ पोस्ट ऑफिस की वजह से, मतलब पोस्टल आप लोग का क्षेत्र कहाँ है, एरिया कहाँ है, थोड़ा सा डिले इससे हो रहा है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियर किया कि 15 जनवरी तक सभी के एडमिट कार्ड आ जाएंगे, चाहे आप लोगों ने सफाई कर्मचारी के लिए भरा हो, कुक के लिए भरा हो, वाशरमैन के लिए भरा हो, वाटर कैरी के लिए भरा हो, मसालची के लिए भरा हो, किसी भी पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया हो, 15 जनवरी वो लास्ट डेट है कि आप लोग के एडमिट कार्ड आप लोग के घर पे पहुंच जाएंगे। और यदि एडमिट कार्ड नहीं पहुंचेंगे तो लिस्ट आप लोग की जो है वेबसाइट पे आ जाएगी। मैंने बिल्कुल क्लियर किया है, सफाई कर्मचारी के एडमिट कार्ड आने शुरू हो चुके हैं, बहुत से स्टूडेंट के एडमिट कार्ड आए हैं, बहुत से वेट कर रहे हैं। तो टेंशन मत लीजिए, आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। ये मत सोचिए कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया तो मैं क्यों फिजिकल की तैयारी करूं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल आप लोगों को नहीं करना है, आप लोग तैयारी कीजिए। क्योंकि स्टूडेंट के जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सब डेली स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड आ रहे हैं। जी हाँ, डेली एडमिट कार्ड आ रहे हैं। अब बात यह आती है कि सर सफाई कर्मचारी के आपने इतने दिनों से बताया, मीन सफाई कर्मचारी के आ रहे हैं, लेकिन कुक का नहीं बताया। मैंने आप लोगों को क्लियर किया था सभी के सेंड किए जा रहे हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी के पहले सेंड किए गए, 2-4 दिनों के बाद जो है कुक के भी सेंड किए जाएंगे, 2-4 दिनों के बाद आप लोग के वाटर कैरियर के, वाशरमैन के और मसालची के एक साथ सेंड कर दिए जाएंगे। तो जैसा मैंने कहा था बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा। बिल्कुल सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग भी कुछ कंफ्यूज मेरे को कर देते हैं, मीन्स कई दिनों से, मीन्स किसी कुक के स्टूडेंट का एडमिट कार्ड नहीं आया था और मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी कि एडमिट कार्ड सेंड कर दिए गए, तो मुझे ये लगने लगा कि क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी कुक वालों के भी एडमिट कार्ड सेंड नहीं किए जा रहे क्या। बिल्कुल मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था, बट ऐसा नहीं है। मुझे पता था कि आप लोग के एडमिट कार्ड सेंड कर दिए गए हैं और आज मैं आप लोग को विद प्रूफ दिखाने वाला हूं। मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनका कि गुजरात सेंटर पड़ा है, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ कुक का जिनका एडमिट कार्ड आया। जी हाँ, कुक का एडमिट कार्ड इनका आ गया, यानी कि जैसा मैंने कहा था बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग का प्रोसेस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो जैसा मैं कह रहा हूं आप लोग को वही करना है, टेंशन फ्री रहिए, फिजिकल की तैयारी करते रहिए, एडमिट कार्ड आएगा 15 जनवरी का, आप लोग वेट कीजिए। बिल्कुल मैं आप लोग को लिख के दे रहा हूं, आप सभी लोग के एडमिट कार्ड आएंगे यदि आप लोग के फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुए होंगे। और इसके बाद आएगी आप लोग की ऑनलाइन लिस्ट, जी हाँ ऑनलाइन लिस्ट भी आप लोग की आएगी।
तो सारी वीडियोज आप लोग मेरे देखते रहिए, क्योंकि डेली सभी वीडियोज में आप लोग के लिए कुछ ना कुछ अपडेट कर रहा हूं मैं। आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा, चाहे आप लोग के एडमिट कार्ड को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें, नाम में, एड्रेस में, बहुत मैं आप लोगों से कह रहा हूं, यदि आप लोग कॉन्स्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आप लोग मेरा सीआरपीएफ के आने वाला कोई भी वीडियोज आप लोग नहीं देखेंगे या प्रीवियस वीडियो, मीन्स आप लोग जरूर देखेंगे, जरूर देखना है आप लोगों को, क्योंकि डेली मैं आप लोग के लिए कुछ ना कुछ अपडेट लेके आ रहा हूं, फिर आप लोग को प्रॉब्लम्स होती है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और मैं आप लोग को दिखाता हूं कुक का एडमिट कार्ड कैसा है और मेरे कौन से सब्सक्राइबर हैं। चलिए तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये एडमिट कार्ड है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोग को नाम दिखा देता हूँ यहाँ पे आप लोग का जो है सीआरपीएफ का, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए, सीआरपीएफ का ये एडमिट कार्ड है, ठीक है। थोड़ा सा धुंधला है ये, डीआईजीपी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ भोपाल आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन 2020 तो ये सीआरपीएफ का ही है, ठीक है, कोई आप लोग इस भ्रम में मत रहिएगा। इसके अलावा इनका नाम दिया हुआ है पोस्ट अप्लाइड फॉर, जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आप लोग की पोस्ट है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे कॉन्स्टेबल कुक, ठीक है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा मतलब जो है क्लियरिटी नहीं है, लेकिन आप लोग समझ देख सकते हैं यहाँ पे कुक, ठीक है, कुक लिखा हुआ है यहाँ पे, सफाई कर्मचारी नहीं लिखा हुआ, बहुत छोटा सा है, कुक लिखा हुआ, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक फोटो और भेजी है, मैं देखता हूँ इसमें, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्टेबल कुक लिखा हुआ है, तो कॉन्स्टेबल कुक का ही एडमिट कार्ड है, ठीक है। किसी भी प्रकार से आप लोग भ्रम में ना रहेंगे, थोड़ा सा धुंधला है बट ये है कॉन्स्टेबल कुक का। फादर नेम है, मेल फीमेल जो भी है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह दी हुई है, और इसके अलावा रोल नंबर है, और जो इनका सेंटर पड़ा हुआ है ये है इनका ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ और गांधीनगर गुजरात, जी हाँ गांधीनगर गुजरात में इनका सेंटर है, बाकायदा इनका सब कुछ डिटेल दी हुई है, और ये रहने वाले भी जो हैं गुजरात के ही हैं, तो गुजरात में ही इनका सेंटर पड़ा है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है कई सेंटर आप लोग के बनाए गए हैं, 5 फरवरी में, जी हाँ 5 फरवरी में इनका जो है मीन्स यहाँ पे फिजिकल होने वाला है। तो पहले जो आप लोग के फिजिकल स्टार्ट होंगे मैं आप लोग को बता रहा हूँ वो आप लोग के सफाई कर्मचारी के ही होंगे, ठीक है। सफाई कर्मचारी के बाद आप लोग के जो है इसकी आप लोग की कुक की बारी आएगी, लेकिन सफाई कर्मचारी के चलते रहेंगे फरवरी तक, और कुक के भी आप लोग के जो है स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन कुक के थोड़े से डिले होंगे, आप लोग के थोड़े से लेट होंगे, पहले आप लोग के सफाई कर्मचारी के ही स्टार्ट होंगे, कुछ दिन आप लोग के जो है सफाई कर्मचारी के यहाँ पे चलने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को डिटेल दी हुई है क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, ठीक है, ये तो ये सब चीज़ें मैंने आप लोग को इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरे आने वाले और प्रीवियस वीडियो सभी वीडियो देखिए सीआरपीएफ से रिलेटेड, आप लोग को कुछ ना कुछ उसमें अपडेट, कुछ ना कुछ जानकारी मिलती रहेगी, आप लोग को फिजिकल क्लियर करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो, ठीक है, इसकी इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने आप लोग देख लीजिएगा, और यदि डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है तो आप लोग उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार कीजिए, जी हाँ वो बहुत जरूरी है, इस वजह से मैंने आप लोग को तुरंत उसको अप टू डेट किया कि आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, इस वजह से मैंने आप लोग को वीडियो बनाया था। इसके अलावा आप लोग को जो डॉक्यूमेंट, ठीक है, साफ दिखाई नहीं दे रहा, मैंने तो वीडियो बनाया हुआ आप लोग देख लीजिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कई बच्चे इसको कन्फ्यूज हो रहे हैं लेकर के, सर ये हमारी फोटो लगी हुई नहीं, तो यहाँ पे देखिए आप सभी को फोटो लगा के जानी है, ठीक है, यहाँ पे फोटो होंगे और आप लोग के यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, तो फोटो आप लोग जरूर लगा लेंगे, ठीक है, सिग्नेचर आप लोग के जो वहाँ पे सेंटर है वहाँ पे भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फोटो आप लोग यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये है आप लोग का कुक का जो मैंने जो मीन्स कुक का एडमिट कार्ड है। तो अभी आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूज, मतलब कोई किसी प्रकार की आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं रही, और जैसा मैंने आप लोगों से कहा है अब आप लोग बिल्कुल क्लियर आप लोग को हो गया कि मीन्स कुक के भी एडमिट कार्ड आ रहे हैं, जी हाँ कुक के भी एडमिट कार्ड आ रहे हैं। तो आप लोग तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन पर पूरा फोकस कीजिए, ठीक है, इस चीज़ को मत सोचिए मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, आया एडमिट कार्ड आया नहीं आया, आप लोग को एग्जाम होगा, उस बात की आप लोग को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी आप लोगों ने देखा कुक के एडमिट कार्ड भी आने लगे हैं, तो अब आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, कुक वाले बच्चे भी आप बिल्कुल रेडी हो जाइए, आप लोग के भी एडमिट कार्ड आने शुरू हो चुके हैं, मीन्स जैसा मैंने कहा था एडमिट कार्ड सेंड किए गए हैं, 2-3-4 दिनों के बाद आप लोग के एडमिट कार्ड कुक के भी सेंड कर दिए गए, तो पहुंचने में आप लोग का टाइम लग सकता है, कहीं पे 2 दिन लगेंगे, कहीं पे 4 दिन लग सकते हैं, कहीं पे 6 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है, तो जगह के अनुसार है और कितना पोस्टल मतलब आप लोग का डिले होता है। तो आप लोग, मैं आप लोगों से एक बार और कहूंगा जाने से पहले कि आप लोग जो है अपने पोस्ट ऑफिस में जरूर संपर्क कीजिए, जी हाँ ये समय आप लोग का है, आप लोग को मेहनत करनी है, तो आप लोग एक बार और पोस्ट ऑफिस जाइए, संपर्क कीजिए कि मेरा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया, कब तक आएगा, ठीक है, तो एडमिट कार्ड आप सभी को आएंगे। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, जाने से पहले ये कहूंगा यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, और इससे इंपॉर्टेंट चीज है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे पता है जिन भी बच्चों ने कुक के लिए अप्लाई किया होगा सीआरपीएफ को, सीआरपीएफ की पोस्ट में, तो बहुत ज्यादा इस वक्त मीन्स टेंशन में होंगे कि सर हमारा कुक का क्यों नहीं आ रहा, और सभी को इस चीज की जानकारी नहीं होगी जो जानकारी मैं दे रहा हूं। तो वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मैं नहीं चाहता सीआरपीएफ का कोई भी स्टूडेंट जो है कंफ्यूज रहे, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े, फिजिकल क्लियर करें, और इसके बाद आप लोग रिटर्न की प्रिपरेशन करें। ओके बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।